साथियों क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। नजीबाबाद बिजनौर कबड्डी टूर्नामेंट, एक तरफ है बीके एकेडमी यूपी होता, तो भाई दूसरी तरफ बात करें युवा एकता कबड्डी एकेडमी लगा भी बुलंदशहर। दोनों टीमों ने अच्छे खेल की बात मुकाबला आगे देखने को मिलेगा ये, क्योंकि दोनों तरफ उच्च लेवल के उच्च कोटि के खिलाड़ी चाहे गौरव की बात स्कोर भाई एक एक बराबर है। मुकुल भाई सामने से आया निकलकर, पहले भाई क्या बेहतरीन ये प्रयास है, लक्ष्य आए निकलकर सामने से स्कोर हो गया दो दो बराबर, डू और डाई रेड से भी बेहतरीन है भाई ये पांडे का बीके अकेडमी रेवल ही है, अक्सर जंग रहती है दोनों टीमों में, लेकिन यहाँ पॉइंट मिलेगा अमन को, जंप लगाई थी टच करने की कोशिश इस बार गौरव सामने से आए, साइड से डीके एकेडमी की फील्ड में डू और डाई रेड, बहुत ही बढ़िया ये लोग बिल्कुल जाम कर देता है दोनों, किसी की चाबी गिर गई कार की वो हम साथ ले एंकलों को सात तीन का स्कोर जोड़ देता है, सात तीन स्कोर डीके के राइडर लखानपुर की फील्ड में लगातार चार पॉइंट लिए हैं, कबट कबट की आवाज मारने की कोशिश डीके एकेडमी सात और लखानपुर तीन पॉइंट, अभी तीन पॉइंट से पिछड़ रही है और ये देखे बहुत ही खूबसूरत ये भाई कॉम्बिनेशन सामने साथ देखे एकेडमी सात वन एकेडमी पांच वॉच तीसरे राउंड का ये पहला है और डिफेंड कर लिए गए पॉइंट बनाती के एकेडमी एक और पांडे ने जो कमाल दिखाया था प्यार करने का है ना है करीब 10 मिनट के आसपास का समय बीता है और बहुत ही खूबसूरत प्रकार की तरफ से और कामयाबी मिल रही है डिफेंस को, मैंने काफी कबड्डी देखी इनकी, बहुत छोटा सा था जब मैं इनकी कबड्डी देखने जाता था, आज भी मुझे याद है लक्ष्य भाई पॉइंट लूज कर दिया है, थर्ड एंड है दो टायर है इसमें लेना देना करना पड़ेगा भैया, और मैं भी करके दिखाया हूँ मैं मुकुल का ये एंगल होल्ड है, थर्ड एंड और बहुत ही अच्छी प्रकार एक और भाई कैच लगा दिया जबरदस्त गेंद दिखा रहा है और हमारे बीच देखिए 7-11 स्कोर जो मैच चला बहुत ही जबरदस्त, लेकिन यहाँ पर से कामयाबी साकिब प्रधान जी हमारे बीच लेन देन करके आएंगे लेकर आएंगे देख आएंगे भाई ये ना लेकर देख आए तो हम फिर उसका फैसला कर देंगे, हमारे रेफरी की निगाह बहुत तेज जब्बार कलेड़े वाले हमारे बीच रेफरी सुख कराते हुए
बहुत ही अच्छा खेल चला था हमारी टीम बहुत ही खूबसूरत ऐसी ही एक जंप पहले मैच में लगाई थी भाई इस खिलाड़ी ने लेकिन यहाँ शांत कर दिया है अच्छा मुकाबला दिखाया है ये भी टू गाइड है इसमें लॉन्ग गेम होगा चाहे कौन सी टीम भी ले इसमें पॉइंट एक लेना पड़ेगा वो डायरेक्ट है और देखिए नकार भी किसी टाइम भी अपना रुख बदल देती है लगा भी टीम बहुत जबरदस्त टीम है हमारी और देखिए बहुत अच्छी पकड़ उनके जवाब में चले लगा दे खिलाड़ी बहुत ही होनहार खिलाड़ी बहुत ही बड़ा चकमा दिया मगर कैच लिया दोनों टीमों के बीच बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छा झंडो एंजॉय करते हुए बहुत ही खूबसूरत बहुत ही बढ़िया इस खेल के बारे में किसी को कुछ नहीं कह सकते कब कौन क्या करते कोई पता नहीं बहुत हो रही है बारिश का मौसम है देखिए क्या करते हैं देखा हुए ईमानदारी से बहुत ही अच्छा चढ़ खिला रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये तो भाई कह सकते हैं पॉइंट गिफ्ट कर दिया फिसलन हुई उसके बाद बराबर दोनों टीमें बराबर स्कोर भाई बराबर हो गया उसके बाद अच्छी वापसी की अब एक पॉइंट से लीड में डबल टाई रेड है हाँ भाई डबल टाई तोड़ना ही अपने आप में महान खासियत दिखाता और भी बढ़िया भाई कोर्ट में हो सकती है और भाई क्या ही और सबसे बड़ी खासियत यह है कि बहुत अच्छा टेक्निक लगाई है 16-18 बहुत कम समय दिया था उस किक में जो साइड में लगाई थी आशीष ने ये काम भाई चौथी बार किया मेरे हिसाब से एक पॉइंट की लीड है अमन डाला ने खाली रेड मार के यही डाल देगा स्कोर 17-18 मान सारे लड़का सब मम्मी का प्यार कर बहुत ही बढ़िया लो भाई पॉइंट ये है पावर लगा दी पावर फुल लगा दी 19 टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मुकाबले का क्योंकि डू और डाई को फिर से तोड़ दिया है सुशांत ने 20-17 का स्कोर शानदार खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं और मुकाबला समाप्त होता साथ 19-22 के साथ भाई इस मुकाबले में लखावटी।